वो तो कई बार पार्टी को छोड़ करके गए आए, आप फिर इस बार आए 21 में। कुछ लोग मेरे ऊपर व्यक्तिगत रूप से कुछ टिप्पणी करते हैं। यहाँ से इज्जत है, लेकिन क्या इच्छा है? जब उनके बारे में कहा गया, शिखंडी कहा गया, बेशर्मी कहा गया, भिखारी कहा गया, वो अकेले उपेंद्र कुशवाहा खड़ा रहता है। वैसे जिनको जो बोलना हो बोलते रहे, कोई मतलब नहीं है। जो लोग डील में रहे हैं उनको बताना चाहिए या आखिर डील क्या हुआ है। उपेंद्र कुशवाहा इस डील को जानना चाहता है। जो मन करे वो करें। आपको कमजोर किया जा रहा है, उपेंद्र कुशवाहा की क्या गलती रही है? अपनी अपनी इच्छा है, हमसे तो कोई बात नहीं कर रहे हैं। अगर हमसे बात करते तब ना हमको मालूम होता। जब जब उनके ऊपर प्रहार हाल के दिनों में हुआ, तब तब हम उनके साथ खड़े रहे हैं। कुछ लोग मेरे ऊपर व्यक्तिगत रूप से कुछ टिप्पणी करते हैं, मैं उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि उपेंद्र कुशवाहा को जितनी गाली देना हो दे लो भैया, लेकिन कर्पूरी ठाकुर के अरमानों के अनुकूल चलने वाली पार्टी को बर्बाद होते हुए उपेंद्र कुशवाहा नहीं देख सकता है। और इसीलिए हम पूछना चाहते हैं कि जब जब नीतीश कुमार जी के ऊपर प्रहार हुआ, अकेले उपेंद्र कुशवाहा क्यों खड़ा रहा? बाकी लोग क्यों नहीं खड़े हुए? जब से अलग गठबंधन बिहार में बना, नीतीश कुमार जी के ऊपर व्यक्तिगत आरोप भी लगाए गए, अलग अलग तरह से प्रहार हुआ, क्या क्या नहीं कहा गया। जिस वक्त इस तरह के अपमानजनक शब्द कहे जा रहे थे, अकेले उपेंद्र कुशवाहा ही क्यों खड़ा हुआ? बाकी लोग जो आज बोलते हैं नीतीश कुमार जी के साथ क्यों नहीं खड़ा हुए? उपेंद्र कुशवाहा को इस बात का दर्द है कि नीतीश कुमार जी और उपेंद्र कुशवाहा एक ही परिवार का सदस्य है, तो उनके ऊपर कोई उस तरह से अपमानजनक व्यवहार करेगा, दुर्व्यवहार करेगा, तो उपेंद्र कुशवाहा का दर्द छलकेगा। और यही दर्द जब छलकता है तो कुछ लोग उपेंद्र कुशवाहा के ऊपर टिप्पणी करते हैं। जब उनके बारे में कहा गया, शिखंडी कहा गया, बेशर्मी कहा गया, भिखारी कहा गया, तो अकेले उपेंद्र कुशवाहा खड़ा रहता है। दूसरे लोग क्यों नहीं खड़ा होते? कार्रवाई बाद में चलकर शुरू हुई, राष्ट्रीय जनता दल ने शो कॉज नोटिस जारी किया, लेकिन अगर उपेंद्र कुशवाहा नहीं खड़ा हुआ होता तो शो कॉज नोटिस नहीं जारी हुआ होता। एक बार यह बात आ रही थी कि विलय हो जाएगा जनता दल यूनाइटेड का, किसी भी जनता दल यूनाइटेड के किसी नेता ने आवाज नहीं उठाई। लाखों हजारों हमारे कार्यकर्ता चिंता में थे कि क्या होगा। उस समय जरूरत पड़ी तो उपेंद्र कुशवाहा ने ही आवाज उठाई, और उपेंद्र कुशवाहा की आवाज के कारण आगे स्टेप रुक गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बयान दिया कि विलय नहीं होगा। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय जनता दल की ओर से आधिकारिक रूप से यह बात कही जा रही है कि डील हुआ है, गठबंधन बनाते समय डील हुआ है। अब क्या डील हुआ है आज हम भी जानना चाहते कि क्या डील हुआ है, क्योंकि जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल के लोग कह रहे हैं, सीधे तौर पे नीतीश कुमार जी को खारिज करने की बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी को हटाकर। अब क्या लोग चाहते हैं फिलहाल वही बताएंगे, लेकिन डील की बात लोग करते हैं तो डील का खुलासा होना चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा पर टिप्पणी करने के बजाय क्या डील हुआ है, जो लोग डील में रहे हैं उनको बताना चाहिए या आखिर डील क्या हुआ है। उपेंद्र कुशवाहा इस डील को जानना चाहता है। आज कार्यक्रम होता है जनता दल यूनाइटेड का भी, तो एक साजिश उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ भी अब चल रही है, और यह साजिश उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ नहीं है, यह साजिश सीधे नीतीश कुमार जी के खिलाफ है। उपेंद्र कुशवाहा को दरकिनार करने का मतलब कि नीतीश कुमार जी को कमजोर करना। नीतीश कुमार जी के साथ उपेंद्र कुशवाहा मजबूती से खड़ा रहता है, उनके ऊपर जब प्रहार होता है तो उपेंद्र कुशवाहा उस प्रहार को झेलने के लिए नीतीश कुमार जी से आगे आकर अपने ऊपर झेलता है। यह बात कुछ लोगों को ठीक नहीं लगती है। कुछ लोगों को लगता है कि प्रहार हो रहा है, कोई कर रहा है, तो
प्रहार होते रहे और नीतीश कुमार झेलते रहे, उपेंद्र कुशवाहा बीच में क्यों बाधक बनकर आ जाता है? वैसे लोगों की ओर से यह साजिश है कि नीतीश कुमार जी को और कमजोर किया जाए, लगातार इस बात का प्रयास है। तो हम आदरणीय नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी कहना चाहते हैं कि आप अकेले नहीं हैं, आपने लव कुश की एकता से शुरुआत की, उन लोगों को भी आज बहुत दर्द है, अति पिछड़ा समाज के लोगों को बहुत दर्द है, दलित महादलित समाज के लोगों को बहुत दर्द है, आपको कमजोर किया जा रहा है। उपेंद्र कुशवाहा की क्या गलती रही है? अपनी अपनी इच्छा है, हमसे तो कोई बात नहीं कर रहे हैं। अगर हमसे बात करते तब ना हमको मालूम होता, कोई बात नहीं कर रहे हैं। वो तो कई बार पार्टी को छोड़ करके गए आए, आप फिर इस बार आए 21 में, अब इसके बाद बराबर बात करते थे, इधर कोई बात नहीं है। अगर बात होगी तब न जानेंगे। वैसे जिनको जो बोलना हो बोलते रहे, कोई मतलब नहीं है, है? है? पता नहीं, तो ही पता आपको क्या पता। यहाँ से इज्जत है, लेकिन क्या इच्छा है हमसे जब तक बात नहीं करेंगे हमको पता ही नहीं। ठीक है। कौन छोड़िए ना, उसके बारे में कोई पूछने के बारे में आप लोग जानते हैं कहा है कि मुख्यमंत्री को जो मन करे वो करें। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।